हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटीफुल मी। हाउ आर यू ऑल? सो गाइस, आज की वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है। मैं आपके साथ बॉडी स्क्रब शेयर करूंगी, जिसे आपको नहाने से पहले यूज़ करना है, जिससे आपकी स्किन वाइट हो जाएगी, ग्लोइंग हो जाएगी। अगर आपको डेड स्किन है या फिर आपको टैनिंग की प्रॉब्लम है, वो सारी रिमूव हो जाएगी और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आपकी स्किन ग्लो करेगी। अक्सर ये होता है कि हमारी स्किन पे टैनिंग हो जाती है और ब्लैकनेस आ जाती है बॉडी पे, तो ये रेमेडी से आपकी बिल्कुल ग्लास स्किन हो जाएगी और कॉरियन की जैसी स्किन होती है उस तरह की स्किन हो जाएगी। वो लोग अपनी स्किन केयर का बहुत ध्यान रखते हैं, तो चलिए हम भी ऐसी तरह से ध्यान रखें। नहाने से पहले इस स्क्रब को यूज़ करें। इसे बनाना बहुत ईजी है। मैंने सबसे पहले ले लिया है राइस फ्लावर। राइस फ्लावर में बहुत बेनिफिट्स हैं स्किन के लिए। राइस फ्लावर जो है चावल का आटा, ये एक एक्सफोलिएंट की तरह वर्क करेगा आपकी स्किन पे, डेड सेल्स को रिमूव करेगा और आपकी स्किन में ब्राइटनिंग ग्लोइंग इफेक्ट देगा, आपकी स्किन को वाइटनिंग इफेक्ट देगा। और नेक्स्ट है टर्मरिक। टर्मरिक एंटीसेप्टिक है, बहुत अमेजिंग है डेड स्किन को रिमूव करने के लिए और आपके चेहरे पे ग्लो लाने के लिए। तो हम इन दोनों मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसमें मॉइस्चर, आपके स्किन में लॉक रहा है तो इसलिए हम ग्लिसरीन ऐड करेंगे, जिससे आपकी स्किन ग्लो करेगी, इसमें मॉइस्चर रहेगा। तो हमने कुछ ड्रॉप्स ग्लिसरीन की इसमें ऐड कर ली। देन हम इसमें लेमन ऐड कर रहे हैं। लेमन इसलिए क्योंकि लेमन में है सिट्रिक एसिडिक प्रॉपर्टीज़, जो आपकी स्किन में डेड स्किन को रिमूव करेगी और आपकी स्किन में वाइटनिंग ब्राइटनिंग इफेक्ट देगी। तो हमने इन सब चीज़ों को मिक्स कर लिया है अच्छे से। इसके बाद आपको इसको अपने ओवरऑल बॉडी पे अप्लाई करना है। जहाँ अगर आप चाहें तो फेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। नहाने से 2 मिनट पहले आप अप्लाई कर लें, फिर जिस तरह से आप नहाते हैं उस तरह से नहा लें। ये जो मैंने स्क्रब प्रिपेयर किया है, या आप चाहें तो इसे रेफ्रिजरेट करके रख सकते हैं 1 वीक का या 15 डेज का। तो कोई भी एयरटाइट कंटेनर में आपने इस स्क्रब को रख लिया है, फिर जब भी आप इसे यूज़ करेंगे तो आप थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी आपको रनी कर लेनी है। उसके बाद आप अपनी पूरी ओवरऑल बॉडी पर इसको अप्लाई करेंगे। इसको रेफ्रिजरेटर में आप आराम से 15 दिन तक रख सकते हैं। अब इस तरह से आप अपने बॉडी में सर्कुलर मोशन से लिटिल मसाज करनी है आपको, और फिर आप नॉर्मल पानी से वॉश कर लें, और फिर जिस तरह से भी आप नहाते नहाएं तो आपको एक अलग ही ग्लो दिखेगा अपनी स्किन में। स्किन ब्राइट हो जाएगी, वाइट हो जाएगी, स्किन आपकी नेचुरली ग्लो करेगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए।